उफ रोशनी, बस भी कर दे, शाम से सो रही है, चल उठ जा, बहुत हो गया। उठ रही हूँ। भाई वो तेरी सहेली भी आई हुई है, उससे भी तो मिलने जाना है तुझे। जल्दी क्या है, मिल लूंगी। नहीं, कल तू कहीं जाने वाली नहीं है, वो तेरे मामू का नवासा है ना, उसका हकीका है, और तू मेरे साथ जाएगी। अम्मा, वैसे भी कल कहीं नहीं जाऊंगी, और माहीन का क्या है, वो तो यहीं पर है अपने मैके में। है क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि उसकी अपने ससुराल से भी नहीं बनी और अपने मियां से भी नहीं बनी। ये क्या कह रही है तू रोशनी? अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। अम्मा मुझे कुछ खाने के लिए दे दे प्लीज। लाती। थैंक यू। हेलो, कैसी हो माही? ठीक हूँ भाभी। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता तुम्हारे और उमर के बीच में। ऐसा क्या हो गया जो तुम बैग वैग उठा के अपनी माँ के घर चली गई? बस भाभी, कभी कभी इंसान को वो फैसले करने पड़ते हैं जिनके लिए दिल तो राजी नहीं होता, लेकिन दिमाग कहता है कि ये ठीक है। माही, इतने बड़े फैसले अकेले नहीं किए जाते। से बात करती, हम सब तुम्हारे खैरख्वाह हैं, बल्कि तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मैं यहाँ किस लिए बैठी थी? इतना सब कुछ हो गया और तुमने हवा तक नहीं लगने दी। इतना सब कुछ कहाँ है भाभी, ना सब कुछ तो नहीं हुआ, बस एक छोटी सी बात को सब इतना बड़ा मसला बना लिया। अपने घर को छोड़कर, उमर को छोड़ के तुम अपनी माँ के घर बैठी, ये अब इतनी भी छोटी बात नहीं है माही। बताओ कि उमर को नापसंद करने की वजह क्या है? कोई वजह नहीं है भाभी, बस जिन हालात में हम दोनों की शादी हो गई, हमारे पास वक्त नहीं था कि हम एक दूसरे को समझ पाते। क्या मतलब? और क्या समझना है तुम दोनों ने एक दूसरे को? अजीब हरकत की तुमने। कम से कम मुझसे बात कर लेती, मैं तुम्हें इस मसले का हल बता देती। ऐसा हल बताती कि सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। हेलो माही, सुन रही हो? जी भाभी, मैं तो हर किसी की सुन रही हूँ। अब ये बताओ इस मसले का हल क्या है? बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा भाभी।
हेलो माहीन,